तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका और एक धमाकेदार वीडियो में। और यहाँ पे आज हमारे पास है मैक्सिमा मैक्स प्रो वाइड स्मार्ट वॉच, जो आता है काफी बजट फ्रेंडली प्राइस के अंदर और यहाँ पे आपको मिलता है मेड इन इंडिया प्रोडक्ट। तो करेंगे इसका यहाँ पे अनबॉक्सिंग, डिटेल रिव्यू और देखेंगे कौन कौन से यूनिक वाले फीचर यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। और हाँ, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। सो प्रजा हियर, वेलकम टू आवर चैनल ईटेक एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से पैकिंग में हमें ये मिल जाता है मैक्सिमा मैक्स प्रो वाइब। प्लास्टिक को यहाँ पे रिमूव कर देते हैं और बॉक्स के पीछे आपको मेजर स्पेसिफिकेशन यहाँ पे मेंशन किए गए हुए हैं। 1.69 इंच का फुल टच स्क्रीन डिस्प्ले, SPO2 मॉनिटर, हार्ट रेट सेंसर, स्लीप मॉनिटरिंग, मल्टीपल स्पोर्ट्स मोड, सोशल मीडिया नोटिफिकेशन, इनकमिंग कॉल नोटिफिकेशन, पेडोमीटर, वेदर अपडेट्स, कैमरा एंड म्यूजिक कंट्रोल। सो यहाँ पे बॉक्स को ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है वारंटी कार्ड, मेड इन इंडिया का यहाँ पे आपको स्मार्ट वॉच जो है वो मिल जाता है, देन मैक्सिमा मैक्स प्रो वाइब। तो यहाँ पे हमें मिलता है USB टू मैग्नेटिक चार्जिंग केबल और यहाँ पे है इंस्ट्रक्शन मैनुअल। सो आपको इतना मिल जाएगा फ्रॉम द अनबॉक्सिंग। तो स्मार्ट वॉच के ऊपर यहाँ पे एक प्लास्टिक रैप है, उसको यहाँ पे हम रिमूव कर देते हैं। तो प्लास्टिक को यहाँ पे और एक यहाँ पे छोटा सा स्टिकर है तो उसको भी यहाँ पे रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पे है पावर बटन, सो होल्ड एंड प्रेस करके रखते हैं यहाँ पे क्राउन बटन को और इसे यहाँ पे कर देते हैं पावर ऑन। सो यहाँ पे आपको मिल जाएगा मैक्स प्रो वाइब। अगर बात करें यहाँ पे लुक, डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के ऊपर, तो यहाँ पे काफी स्लिम वाला आपको स्मार्ट वॉच जो है मिल जाता है। स्ट्रैप्स की क्वालिटी मुझे यहाँ पे काफी सही लगी, चेंजेबल स्ट्रैप्स है तो आप इसे यहाँ पे इजीली चेंज भी कर सकते हो। पीछे यहाँ पे आपको हार्ट रेट सेंसर, SPO2 सेंसर दिख जाता है, यहाँ पे आपको चार्जिंग डॉट्स और यहाँ पे आपको मिलता है पावर बटन यानी कि क्राउन बटन, जहाँ से आप डिस्प्ले को ऑन ऑफ या तो फिर पावर ऑन ऑफ जो है वो कर सकते हो। वन मोर थिंग, अगर यहाँ पे बात करें साइज को लेके, तो यहाँ पे आपको स्क्रीन साइज मिलता है 1.69 इंच का विथ 515 निट्स ब्राइटनेस और ये काफी ब्राइट है। तो ब्राइटनेस को यहाँ पे कंट्रोल करना काफी इजी है, जैसे हम यहाँ हमारे स्मार्ट वॉच के अंदर कंट्रोल करते हैं, आप इसे इजीली यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। इंडोर कंडीशन हो या तो फिर आउटडोर कंडीशन हो, ब्राइटनेस यहाँ पे काफी ऑसम है और आपको यहाँ पे यूज करने में काफी मजा आएगा। सो यहाँ पे प्राइस के हिसाब से लुक, बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन मुझे काफी सही लगा। सो ये कुछ इस तरीके से आपको मिल जाएगा जब आप इसे यहाँ पे वियर करोगे, एकदम ही स्लिम है और काफी कंफर्टेबल रहता है। एक प्रीमियम फिनिश जो है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है। वन मोर थिंग, यहाँ पे जो रेस टू वेक फंक्शन है कम्पेयर टू अदर स्मार्ट वॉच, ये मुझे काफी सही लगा। फर्स्ट टाइम यहाँ पे मोबाइल के साथ कनेक्ट करने के लिए आपको मैक्सिमा स्मार्ट फिट एप्लीकेशन को डाउनलोड एंड इंस्टॉल करना है। हमने इसे ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है। उसके बाद यहाँ पे आपको जाना है सेंटर डिवाइस के अंदर, एड डिवाइस यहाँ पे परफॉर्म करना है। यहाँ पे आपको आ जाएगा मैक्सिमा मैक्स प्रो वाइब, डेट सीट यहाँ पे इसे कनेक्ट करना है और एकदम ही क्विकली ये कनेक्ट हो जाता है। बैटरी परसेंटेज भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा और साथ में यहाँ पे जो टाइम है वो भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज हो जाएगा। सो एप्लीकेशन में यहाँ पे सबसे पहले आपको मिल जाएगा वॉच फेसेस, तो आप यहाँ पे टैप करके भी क्विकली वॉच फेसेस को चेंज कर सकते हो, जो मुझे काफी सही लगा। यहाँ पे आपको मोर वॉच फेसेस का जो ऑप्शन है यानी कि क्लाउड वॉच फेसेस का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है, जिसके अंदर आपको यहाँ पे मोर देन 100 क्लाउड वॉच फेसेस का जो सपोर्ट है वो मिलता है। वन मोर थिंग, आप अपना जो फोटो है वो भी यहाँ पे सेट कर सकते हो। उसके लिए यहाँ पे जाना है एडिट के अंदर, जैसे यहाँ पे आप एडिट में जाओगे आप यहाँ पे कस्टम वॉलपेपर जो है वो यहाँ पे सेट कर पाओगे। सो यहाँ पे मुझे ये काफी अच्छे वाला फंक्शन जो है वो मिल जाता है। यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलता है, तो आपको यहाँ पे सारे नोटिफिकेशन को टर्न ऑन करना है, तभी जब कॉल आएगा, मैसेज आएगा, तो आपका जो स्मार्ट वॉच है उसके ऊपर यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा। यहाँ पे आपको अलार्म, कैमरा कंट्रोल, अदर्स के अंदर यहाँ पे आपको काफी सारे कंट्रोल जो है वो मिल जाते हैं, जैसे कि फाइंड डिवाइस है, टाइम फॉर्मेट है, यूनिट सिस्टम है, डू नॉट डिस्टर्ब, रिमाइंडर टू मूव, कंटिन्यूस हार्ट रेट मॉनिटरिंग, कंट्रोल फोन म्यूजिक, तो उसको भी यहाँ पे आपको टर्न ऑन करना है, ऑटो लॉक, कितने टाइम के अंदर जो स्क्रीन है वो टाइम आउट होना चाहिए, तो 5 सेकंड से लेके आपको यहाँ पे अप टू 30 सेकंड का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है। सो काफी सारे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, क्विक व्यू यानी कि रेस टू वेक फंक्शन,
ड्रिंक रिमाइंडर, हार्ट रेट वार्निंग, वेदर अपडेट्स, काफ़ी सारे यहाँ पे आपको जो अपडेट्स है वाया वॉच वो यहाँ पे मिलता है। सो यहाँ पे जो एप्लीकेशन है उसका जो यूआई है, उसका यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है, मुझे काफ़ी सही लगा। होम स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे होल्ड एंड प्रेस करके रखते हो तो आपको क्विकली जो वॉलपेपर है वॉच फेसेस उसको चेंज करने का ऑप्शन जो है वो मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ऑनलाइन के अंदर मोर देन 100 प्लस वॉच फेसेस का जो सपोर्ट है वो मिलता है, और आप अपना जो फोटो है वो भी यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ पे आपको मैग्नेटिक चार्जिंग केबल जो है वो मिल जाता है, जो आपके वॉच के पीछे फटाक से चिपक जाएगा। यहाँ पे आपको क्विक चार्जिंग का जो सपोर्ट है वो भी मिलता है। 20 मिनट चार्ज के अंदर यहाँ पे आपको वन डे का बैटरी बैकअप मिल जाता है। वन मोर थिंग, अगर ओवरऑल यहाँ पे बात करें बैटरी लाइफ को लेके, तो 10 डेज का यहाँ पे आपको बैटरी लाइफ जो मिल जाता है, जो मुझे काफी सही लगा। अगर बात करें यहाँ पे हेल्थ रिलेटेड, तो यहाँ पे आपको एक्टिविटी ट्रैकर मिलता है, यानी कि कितने स्टेप्स यहाँ पे आपने लिए है, यहाँ पे आपने कितने कैलोरीज बर्न किया है, कितने किलोमीटर यहाँ पे वॉक किया है। आप यहाँ पे जो हार्ट रेट है वो भी मेजर कर सकते हो, 24/7 आप इसे मेजर कर सकते हो। यहाँ पे आपको SPO2 सेंसर भी मिल जाता है, और यहाँ पे आपको ब्रीथ मोड भी मिल जाता है। अगर बात करें यहाँ पे सेंसर की एक्यूरेसी को लेके, तो चेक करते हैं कैसा यहाँ पे हमें परफॉर्मेंस मिलता है। सो यहाँ पे आपको तुरंत ही मैसेज आ गया, प्लीज वियर द वॉच प्रॉपरली। सो एक एक्यूरेट आपको यहाँ पे हार्ट रेट सेंसर, SPO2 सेंसर जो है वो मिल जाता है, और वो भी काफी बजट फ्रेंडली प्राइस के अंदर। यहाँ पे आपको मल्टीपल स्पोर्ट्स मोड जो है वो मिल जाता है। यहाँ पे जैसे एक्सरसाइज में जाओगे आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, रनिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग, स्कीपिंग, बैडमिंटन, फुटबॉल, स्विमिंग, रग्बी, गोल्फ, योगा, काफी सारे यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स मोड जो है वो मिलते हैं। जैसे यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं कोई भी यहाँ पे वर्कआउट को, जैसे कि हम यहाँ पे रनिंग सिलेक्ट करते हैं, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे काउंटडाउन आएगा, उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यूस हार्ट रेट जो है वो ट्रैक होता है, कितने स्टेप्स आपने यहाँ पे वॉक किया है, कितने डिस्टेंस, कितने कैलोरी, तो वो सब डेटा जो है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है, और काफ़ी यहाँ पे एक्यूरेट वाला परफॉर्मेंस जो है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है। अगर बात करें यहाँ पे एडिशनल फीचर को लेके, तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे मल्टीपल ऑप्शन जो है वो मिलते हैं। यहाँ पे आपको टॉर्च, पावर सेविंग मोड, वेदर अपडेट्स, आप ब्राइटनेस को भी कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ पे आपको मिलता है कैमरा कंट्रोल, अलार्म स्टॉपवॉच, म्यूजिक कंट्रोल, स्लीप मॉनिटरिंग, ड्रिंकिंग वाटर रिमाइंडर, फीमेल हेल्थ ट्रैकर, और यहाँ पे आपको कैलकुलेटर जो है वो भी मिल जाता है। सो यहाँ पे आपको मल्टीपल एडिशनल फीचर जो है वो यहाँ पे मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको 3 ATM वाटरप्रूफ रेटिंग जो है वो मिल जाता है, यानी कि आप इसे यहाँ पे बारिश के अंदर या तो फिर स्विमिंग पूल के अंदर भी विदाउट एनी हेजिटेशन यूज कर सकते हो, जो मुझे काफी सही लगा। जैसे यहाँ पे आपको कॉल आता है, जो स्मार्ट वॉच है वहां पे आपको नोटिफिकेशन तुरंत ही यहाँ पे पॉपअप हो जाएगा, और जो कॉलर है उसका यहाँ पे आपको जो नाम है वो भी आ जाएगा। आप इसे यहाँ पे रिजेक्ट कर सकते हो या तो फिर इसे साइलेंट भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको साल के सारे नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाते हैं, कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, और जैसे ही आपके मोबाइल के ऊपर आपको मैसेज आता है यहाँ पे आपको तुरंत ही पॉपअप आ जाएगा, तो काफ़ी सही है और काफ़ी क्विकली ये रिस्पॉन्ड करता है। यहाँ पे आपको ड्यूअल मेनू सिस्टम जो है मिल जाता है, तो ये है लिस्ट व्यू। अगर सेटिंग्स में जाते हैं तो यहाँ पे आपको मेनू व्यू मिलता है, और सेकंड जो है वो है ग्रिड व्यू। सो ये वाला जो व्यू है ये है ग्रिड व्यू, जो एप्पल की तरह आपको मिलता है, और काफ़ी ईजी है इसे यहाँ पे यूज़ करना, जो मुझे काफी सही लगा। अगर बात करें यहाँ पे UI एनिमेशन को लेके, तो काफी लैग फ्री एक्सपीरियंस जो है वो मिल जाता है, एकदम ही स्मूथ यहाँ पे जो वॉच का जो सपोर्ट है वो यहाँ पे आपको मिलता है। सो स्वाइप डाउन से यहाँ पे आपको मिलता है शॉर्टकट्स, स्वाइप अप से यहाँ पे आपको जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, राइट स्वाइप से यहाँ पे आपको एक्टिविटी, स्लीप मॉनिटरिंग, हार्ट रेट मॉनिटरिंग, वर्कआउट मोड्स, तो ये सब यहाँ पे आपको मिल जाता है, SPO2 सेंसर, वेदर अपडेट्स, शटर यानी कि कैमरा कंट्रोल, म्यूजिक कंट्रोल, और लेफ्ट स्वाइप यहाँ पे स्वाइप करते हैं तो मेनू जो है वो ओपन होता है। जैसे हमने आगे चेक किया, जो मेनू है वो यहाँ पे आपको ड्यूअल टाइप के अंदर मिलता है। सो ये जो व्यू है ये है हमारा ग्रिड व्यू। यहाँ पे आप सेटिंग्स के अंदर जाते हो तो मेनू के अंदर आप इसे ईजिली चेंज कर सकते हो। सो सेकेंड जो है वो है लिस्ट व्यू, तो स्वाइप लेफ्ट करते ही आपको लिस्ट व्यू के अंदर मेनू मिल जाएगा, एक्टिविटी, स्लीप, हार्ट रेट, एक्सरसाइज, SPO2, वेदर कंट्रोल, शटर कंट्रोल, म्यूजिक कंट्रोल, ब्रीथ एक्सरसाइज, स्टॉपवॉच, अलार्म, टाइमर, यहाँ पे आपको फ्लैशलाइट का सपोर्ट भी मिल जाता है। सेटिंग्स के अंदर यहाँ पे आपको मेनू व्यू, इंटेंसिटी, आप यहाँ पे वाइब्रेशन को भी सेट कर सकते हो, लो, मीडियम, हाई, ब्राइटनेस को भी यहाँ पे सेट कर सकते हो, वाइब्रेशन ऑन ऑफ कर सकते हो, पावर सेविंग मोड, कैलकुलेटर, रीसेट, पावर ऑफ, अबाउट एंड
एप्लीकेशन का जो QR कोड है वो भी मिल जाता है। दोस्तों अगर फाइनली बात करें यहाँ पे वर्ल्डिक में, तो भाई काफी मजा है यहाँ पे वॉच को यूज करके, काफी बजट फ्रेंडली प्राइस है और सारे के सारे फीचर यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। और ये मुझे काफी सही लगा, यहाँ पे आपको मेड इन इंडिया प्रोडक्ट मिलता है। तो यहाँ पे आपको बजट फ्रेंडली प्राइस के अंदर मिलता है हार्ट रेट सेंसर, मल्टीपल स्पोर्ट्स मोड, SPO2 सेंसर, वेदर अपडेट्स, म्यूजिक कंट्रोल, कैमरा कंट्रोल, काफी सारे यहाँ पे वॉच फेसेस का सपोर्ट भी मिल जाता है। और हाँ, इसका जो परचेज लिंक है वो भी मिल जाएगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में नीचे। आज के वीडियो बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।